Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Hey, what's up guys, this is Dhiran and welcome to brand new exciting video. Okay, तो guys, good morning. आज है 2 अक्टूबर, तो आप सबको महात्मा गांधी जयंती मुबारक. तो basically आप जब ये वीडियो देखोगे तब उस दिन 2 अक्टूबर नहीं होगा, बट मैं आज उस करंट टाइम में इसलिए आपको विश कर रहा हूँ. तो गाइस, ये है आज मेरा गैंगटॉक डे 2, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. और मैं, आप देख सकते हो, रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए. तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. बट वीडियो को मिस मत करना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को. तो गाइस चलते हैं, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर यहाँ से अपने गेस्ट हाउस से निकल जाऊँगा. तो मिलता हूँ थोड़ी देर में. I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. ऑल राइट गाइज, तो गाइज मैं आया हूँ अभी सबसे पहले वज्रा चंगू लेक स्टैंड. तो यहाँ से मैं आज जाने वाला हूँ बाबा हरभजन सिंह और एक और पॉइंट है, ये दोनों मैं आज कवर करूँगा. तो अभी यहाँ से सुमो गाड़ी जाएगी, तो उसमें मैंने सेरेट लिया है, तो काफ़ी बजट में लिया है. और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ गाड़ी आने वाली है, तो बात हो रखी है मेरी. तो ये बेसिकली एक स्टैंड है जो मेरे गेस्ट हाउस से 300 किलोमीटर दूर था, तो यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ. ये जगह भी मैं हिचकिंग करके कंप्लीट कर सकता था, बट इसमें पासिंग सिस्टम लगता है, तो विदाउट पास आप जा नहीं सकते, तो परमिट बनाना पड़ता है. तो मैंने वही फॉर्मेलिटीज़ लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने की थी, तो वो हो गई. और मेरा इसमें एक और एक छोटा मोटा प्रोसेस है, इसमें आपको आपका सिक्किम के अंदर ट्रैवल का आपको एक कार्ड भी बनाना पड़ता है, वो ऑनलाइन बन जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके अलावा आपका जैसे मैंने पास बनाना पड़ता है, एंट्री पास वो भी बनता है, उसमें आपकी 2 फ़ोटोज़ लगती है और आपका एक डॉक्यूमेंट सबमिट होता है जिसमें आप अपना दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, वो मैंने दिया. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे जो ड्राइवर है और जो गाड़ी है वो आने वाली है यहाँ पे, तो मैं वेट कर रहा हूँ. तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी, लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो लेट्स गो. तो गाइस ये गाड़ी जाएगी जो हरभजन सिंह, एक जो टेंपल है अपने जो आर्मी में शहीद हो गए थे. और दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना, एक तो हरभजन सिंह है, दूसरा एक लेक है, क्या है? हाँ, संगुक लेक है. संगुक लेक है, ओके. तो 2 पॉइंट कवर करेंगे. और ये पूरा टेम्पो टैक्सी स्टैंड है, आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ निकल रही है. और मैंने ये वाला सीट लिया है ताकि विंडो वाला, ताकि मैं अच्छे से व्लॉग कर सकूं. और दिखते हैं. ओके, तो भाई सब लोग आ गए हैं और हमारी अभी जर्नी स्टार्ट होने वाली है. और ये 3 भाई लोग हैं. कहाँ, बिहार से आप? झारखंड से. झारखंड से, बिहार. ओके, आप सर? दक्षिण दिनाजपुर है. कहाँ से? दक्षिण दिनाजपुर, बंगाल. बंगाल से, ओके. ओके, तो गाड़ी चल चुकी है और काफ़ी लोग अपनी अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं. सब अलग अलग, सबके लिए अलग अलग गाड़ी है और अलग अलग रूट है. तो अभी आपको कम दिख रहा होगा, लाइट नहीं है क्योंकि ये अंदर है अपने पार्किंग एरिया, बाहर जाते ही लाइट हो जाएगी. तो गाइस यहाँ पास चेकआउट होता है, उसके बाद में गाड़ी आगे बढ़ती है, तो हम भी रुक गए हैं. तो ये हम वेट करते हैं. वेदर आज काफ़ी ऐसा है, धुंध सी आ रखी है, तो सब गाड़ियाँ चेक पोस्ट यहाँ चेक कराते फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो गाइस पास दिखा दिया, निकलते हैं वापस, यहाँ देखते हैं.
legs ropes. और यहाँ आप जैकेट ले सकते हो अगर आपको सर्दी लग रहा है तो, और खा पी सकते हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। तो गाइज मैं ले रहा हूँ एक मिल्क टी यहाँ से। थैंक यू, पैसा वो दे देंगे। ठीक है, अभी एक साथ यहाँ लोग काफी स्ट्रांग चाय बनाते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है। ये भी स्ट्रांग है। साइड में मुझे मेरे को मिले नहीं है, आप खाली अपना ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर हमारे झारखंड से, बिहार से। जी हाँ, वीरेंद्र जी जो हमारे पास में वाली सीट पे बैठे हैं, काफी कॉमेडी करते हैं ये बीच बीच में। और जो हमारे ड्राइवर साहब वो तो नेक्स्ट लेवल कॉमेडी। तो ये तीन लोग हैं, एक दो लोग और हैं। जी, एक राहुल शर्मा। हाय, क्या नाम आपका? संजीत। संजीत, और राहुल जी कहाँ हैं? राहुल सिंह फिर हैं। और सर ये भी है, आप कहाँ से सर? मुर्शिदाबाद से। क्या नाम आपका? नाम नयन शेख। अच्छा, राहुल जी कहाँ हैं? राहुल जी राहुल जी यहाँ आइए, थोड़ा सा आपका चैनल में होता है। हाँ बिल्कुल, राहुल जी यहाँ आइए, बाद में जी बिल्कुल वहाँ भी लिया जाएगा। देखिए मैं दोस्त आ गए हैं। राहुल जी जैकेट नहीं ले रहे क्या? ठंड नहीं लग रही? आधा सुट्टा। एक मैडम है, वो भी हम लोग साथ में हैं। ओके, अच्छा ये आपके साथ हैं? मेरे साथ, गाड़ी में साथ में। ओके, तो गाइस यहाँ आपको वाइन और सब कुछ मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक, और आप खा पी सकते हो। तो हमने किया मोमो ऑर्डर। आपने वेज किया नॉन वेज? वेज। तो मैंने भी वेज किया, तो ये आ जाएगा, बट मैंने फ्राई किया है। ठीक है,
कैमरा जी 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 क्या नाम आपका? मेरा दीपक। दीपक जी कहाँ से हो आप? मैं इधर ही का। ओके लोकल। और जैकेट मैंने बंद कर दिया है, बहुत ठंड है यहाँ पे। आप इसमें भेजिएगा जैकेट। नहीं ये काफी है ना, पहन रखा है। जींस से तो बहुत ठंडा लगेगा। हैं? जींस में तो बहुत ठंडा। नहीं बड़ी गर्म, मैंने दो तीन लेयर पहन रखा है। हम नहीं चलेंगे। हैं? तो इतना पहन के बैठा आ जाओ, चल जाएगा आई थिंक। और बार बारिश स्टार्ट हो गई है आज, और वेदर क्लियर नहीं है तो व्यू पॉइंट तो इतना अच्छे से दिखेगा ही नहीं आज। बताएंगे हम। बिल्कुल। तो ये दो सर मिले हैं, कहाँ से आप सर? हम लोग बिहार से हैं। अच्छा बिहार से, क्या नाम आपका? हमारा नाम शिवशंकर कुमार हुआ। मैं धीरज है। अच्छा धीरज, धीरेन, मेरा धीरेन। अच्छा सही है। ओके तो ये भी आप लोग ऊपर घूमने के लिए जा रहे हैं? घूम के आ गए, अभी जाओगे? जा रहे हैं, अभी होल्ड हुआ है यहाँ पर आपका भी। ओके तो आपका क्या नाम है आपका? राजन। ओके राजन, आप तीनों साथ में हो? तीनों साथ में हैं। अभी सेरेट में जा रहे हो या आपने सेपरेट? नहीं नहीं सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा कितना चार्ज किया है? 27,000। ओके मैं सेरेट में आया हूँ, तो सेरेट में थोड़ा चीप पड़ता है, और सेपरेट अगर आप बुक कर दो थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा पड़ता है। और बारिश तेज हो रही है देख सकते हो। ओके तो ये नेचुरल पानी आ रहा है पहाड़ से, बाहर से बार बारिश हो रही है। और ये यहाँ बन रहा है मुँह में, मेरा फ्लाई हो रहा है, मेरा फ्लाई हो रहा है। वेज है ना? कंप्लीट कंप्लीट। ओके और ये यहाँ पे राइस वाइस चाय कॉफ़ी सब मिलता है। और ये मिर्ची जो बहुत स्पाइसी मिर्ची है, मैंने इसको दार्जिलिंग में भी देखा था। और ये इसको 3-4 साल तक ख़राब नहीं होती है मिर्ची। ये ऊपर अभी बाबा का मंदिर कितना दूर रह गया यहाँ से? अभी कितना? 17-17 किलोमीटर। अच्छा बहुत दूर है, 17 किलोमीटर और रह गया है। बाबा हरभजन सिंह का जो टेंपल है वहाँ जाएंगे हम सबसे पहले। ओके ऑल राइट गाइज, तो गाइज मेरा आ गया है फ्राई मोमो, और ये भी ले रहे हैं, मोमो ही लिए हैं इन्होंने भी, इनका विदाउट फ्राई है तो देख सकते हैं। ठीक है सर। ओके तो गाइज थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है और बारिश अभी भी हो रही है, बट चलते हैं अंदर वापस जल्दी से। ओके बाबा हरभजन सिंह का थोड़ा सा यहाँ से दूर है, 2-3 किलोमीटर। और जो मेरी जो गाड़ी थी वो सब नथुला पास गए हैं, और नथुला पास ऐड नहीं था, सब लोगों ने लास्ट मोमेंट पे ऐड किया। तो नथुला पास का वो 6 किलोमीटर का चार्ज कर रहा था 500 रुपीज़, और वहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं, आप फ़ोन भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत हटनी है। नथुला पास में आपको चाइना बॉर्डर भी देखने को मिलता है, बट आप आँखों से देख सकते हो नहीं, आप फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो और नई वीडियो बना सकते हो। तो मैं गया भी नहीं, और ड्राइवर के साथ मेरा थोड़ा अभी अनबन नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बार बार मेरे को बोल रहा है कि मेरा वीडियो मत बनाओ, और मैं वैसे उसको बना ही नहीं रहा था, मतलब एक फ्रेम में आ जाता तो भी बोलता है कि मेरा कैमरा बार बार देखता है। उसको ये नहीं पता, मैंने जिससे बुक किया था उनको मैंने बताया था कि मैं रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ ये जर्नी, क्योंकि और मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये पूरा रोड बीआरओ के अंदर है, अपने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका अंडर है, और पूरा आर्मी एरिया है, पूरा ये आर्मी के कंट्रोल में है, क्योंकि चाइना बॉर्डर जस्ट पास में है। तो मैं ज़्यादा उनका कैम्प वैम्प नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो इलीगल है और आर्मी अलाउ भी नहीं करती है।
तो मैं अभी बाबा मंदिर जाऊंगा। मैं एक उन्होंने एक कोई टैक्सी दी है जिसमें मैं अभी बैठा हूं, और बाबा मंदिर यहां से 3-4 किलोमीटर दूर है बाबा हरभजन सिंह का, तो वो है। और नीचे एक लेक है जो मैंने थोड़ा बहुत आपने वीडियो में देखा होगा, वो एक्सप्लोर करूँगा। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ और ये देख रहे हैं कोई और टैक्सी मिल जाए तो वहाँ तक मेरे को ड्रॉप कर देंगे। तब तक वो आगे नथुला पास घूम के आ जाएंगे, चाइना बॉर्डर देख के आ जाएंगे, तो वो वहीं आने वाले हैं बाबा मंदिर। फिर वहाँ से बाबा मंदिर से हम वापस नीचे की ओर जाएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया है, टाइम बता देता हूँ मैं आपको, टाइम 1 बज गए हैं, बहुत टाइम हो गया। बाकी का टूरिस्ट नथुला जा रहा था। जी 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 जी, तो बाकी सब नथुला गए, तो देखते हैं अभी बाबा मंदिर, ये मेरे को बैठा देंगे किसी पे। Always get ignored. I don't exist. I'm sick. It's alright. I'm fine. I'm just passing the time. I need you in my life. When I'm with you, I can't move. It feels like I'm losing my mind. ओके तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया बाबा हरभजन सिंह के जो टेंपल है वहां पे, और मैं दिखाता हूं। थोड़ा म्यूज़िक बज रहा है इसलिए थोड़ा नॉइज़ कम आएगा। तो यहां पे बाबा हरभजन सिंह का स्टैचू लगा हुआ है, देख सकते हो, और उस पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है इनका। और सामने तो कोई रेस्टोरेंट कैंटीन है जो आर्मी रन करती है, और वहाँ उनका स्थान है। और ये ऊपर इंडिया फ्लैग लगा हुआ है, और आर्मी ट्रक बहुत सारे आते हैं यहाँ, रुकते हैं। तो चारों तरफ पहाड़ी है, देख सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एकदम दिल के अंदर है ना, इंडिया के लिए ना, यहाँ आपको बहुत लाइक फीलिंग आएगा बहुत अच्छे से, पूरा एनवायरनमेंट वैसा है, काफ़ी सही है। तो बाबा हरभजन सिंह का यहाँ पे स्टोर रूम है, और ये स्पिरिचुअल वाटर का है, और यहाँ इनका स्थान है। इसके अलावा उनका ऑफिस है जो मैंने पहले दिखाया आपको, और लिविंग रूम भी है जिनके अंदर अभी भी खाना जाता है, इतना वो अभी भी इनको मेंटेन, उनका ऑफिस पूरा अच्छे से मेंटेन है, लिविंग रूम में अभी भी खाना जाता है। और ये एंट्रेंस है, यहाँ से सामने वाटरफॉल है, और वहाँ उनका स्टैचू लगा हुआ है, और ये सब देख सकते हो आप।
ओके तो गाइस अभी जा रहे हैं हम देशभक्त स्थल, जो देख सकते हो आप, ये एंट्रेंस है उसका और सामने इंडियन फ्लैग भी फ्लाई कर रहा है, ये अभी लगा है जस्ट। ब्लेसिंग इसको बोलते हैं, वॉल ऑफ द ब्लेसिंग बोलते हैं, जो देख सकते हो आप सामने है मेरे जस्ट। गाइस वेदर देखिए, बहुत ज़्यादा बादल नीचे आ गया और बहुत देख सकते हो पूरा एकदम फॉगी हो गया है चारों तरफ और बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ ठहर रहे हैं पूरे, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बट बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया चारों तरफ, वेदर ही वेदर दिख रहा है, बादल काफ़ी नीचे है और देख सकते हो मेरे नीचे ठंडी हवा चल रही है और बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास ग्लव्स थे बट मैं लेके नहीं आया, बड़े वाले बैग में रह गया, बट आप चारों तरफ देख सकते हो पूरा फॉग हो गया, देख सकते हो। ओके तो अभी जो आप गाड़ी देख रहे हो इसी में मैं आया, ये आगे नथुला घूम के आ गए हैं और अभी ये लोग अभी यहाँ घूमेंगे और मैं ऑलरेडी घूम लिया, मैंने रिकॉर्ड के लिए ब्लॉग, तो इनके लिए टफ होने वाला अब क्योंकि वेदर भी अब इतना ओपन नहीं है, पूरा रास हो गया है। ओके तो गाइस ये इंडियन आर्मी कैंटीन है जो आर्मी चलाती है और यही एक कैंटीन आपको यहाँ मिलेगी और कोई दूसरी कैंटीन नहीं मिलेगी और इसको रन इंडियन आर्मी करती है, देख सकते हो। ऑलरेडी गाइस तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल जो जस्ट सामने है, काफ़ी अच्छा है आगे जाके, ठीक है, और थोड़ी बारिश हो गई, थोड़ा कीचड़ हो गया है और वो रहा सामने वाटरफॉल, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं अभी, बाई वॉक ही जाना पड़ेगा। तो गाइज एक रिवर है यहाँ पे और वाटरफॉल थोड़ा सा दूर रहा है और छोटे छोटे से ऐसे पुल है जो रिवर के ऊपर से आपको क्रॉस होके जाना पड़ेगा और सामने वाटरफॉल है, तो चलते हैं। पानी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे और रिवर बहुत तेज़ चल रहा है, वॉइस नहीं आ रही होगी, ये रहा रिवर जो वाटरफॉल का है, यही पानी आ रहा है। ओके तो गाइस वाटरफॉल के जस्ट पास में लॉर्ड शिवा का टेंपल है, देख सकते हो ऊपर, और बहुत सही लग रहा है, ऐसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतनी तेज़ नहीं हो रही, तो टेंपल के ऊपर जाता हूँ मैं। Thank you.
तो गाइस यहाँ शिवलिंग है और जस्ट पास में वाटरफॉल है और यहाँ फ्लैग्स लगा कर देख सकते हो और पानी ऊपर पहाड़ से आ रहा है और वाटरफॉल काफ़ी तेज चल रहा है देख सकते हो। ओके तो गाइस वाटरफॉल पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, मेरे को फोटो शूट करना था बट नहीं हो पाएगा देख सकते हो। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं देख सकते हो, पहले खाली था, मैं जस्ट आया तब खाली था और सूरज थोड़ा सा निकला है। ओके तो गाइस फाइनली धूप निकली है और वेदर काफ़ी अच्छा दिख रहा है देख सकते हो, प्रॉप राइट हो गया अभी अच्छा से दिख रहा है सब कुछ। फाइनली धूप, ठंड से रात। ओके तो गाइस वापस चलते हैं और सब बैठ गए हैं गाड़ी में, मेरा वेट कर रहे हैं, ये मेरे को बुलाने के लिए आए, चलते हैं, धूप निकल गई है। ओके तो गाइज अभी हम आए हैं छंगू लेक बाबा हरभजन सिंह के वहाँ से, बहुत पास में, ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ आपको लेक मिलेगा और पहाड़ी याक मिलेगा जो काफ़ी बड़ा है। ये ऐसे याक का ना आपको मनाली में और नहीं मिलते, मैंने देखे हैं मनाली के याक, वो ये थोड़े डिफरेंट है, पूरे पहाड़ी याक मिलेंगे और काफ़ी अच्छा इनको डेकोरेट कर रखा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है याक, यहाँ के पहाड़ी याक कितने बड़े बड़े और इनके हेयर देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत स्नो गिरती है तो देख सकते हो। और छंगू लेक दिखाता हूँ मैं आपको और देख सकते हो वेदर कितना अच्छा है और थोड़ी देर के लिए धूप निकल गई है तो ये भी अच्छा हो गया। और ये है छंगू लेक देख सकते हो, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं और सब याक की यात्रा कर रहे हैं और यहाँ का ड्रेसिंग सेंस भी पहन रहे हैं और पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। और ये माउंटेन देखिए बहुत ब्यूटीफुल है। ओके तो गाइस सिक्किम को ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर रखा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो नॉर्थ के अंदर अलग टूरिस्ट प्लेसेस है, ईस्ट के अंदर अलग है, वेस्ट के अंदर अलग है और साउथ के अंदर, आई थिंक हम वेस्ट में हैं अभी, जो अभी देखने आए हैं चंगू लेक सामने जस्ट देख सकते हो। और वेदर देखिए और धूप देखिए बहुत खूबसूरत, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल राइट गाइस गाइस ये यहाँ पर है चंगू बाबा मंदिर जो आप देख सकते हो, तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हो बाबा जी के। तो गाइज ये जो ग्रुप देख रहे हो ये मेरे साथ नहीं है, हम सब साथ में सेरेटा में सेरेट टैक्सी करके आए थे तो इनका मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर दिया अच्छा सा, इनके साथ में थे। और ये याक भड़क गया है, याक को अंदर लेके जा रहे हैं।
ओके तो गाइस हम उसी रेस्टोरेंट आ गए हैं जहाँ पहले आए थे। यहाँ आप सब अपने जो जैकेट वैकेट लिए थे सब वापस रिटर्न कर रहे हैं। एक कॉफ़ी भी मेरा कॉफ़ी जी। ओके तो चाउमीन ऑर्डर किया है यहाँ का, सब लोगों ने मोमोज लिया है और कॉफ़ी भी किया है और बार बार ही स्टार्ट हो गया और अब हम निकलेंगे नीचे। एक घंटा और लगेगा हमें पहुँचने में यहाँ से एमजी रोड तक। और तेज बारिश स्टार्ट हो गया है ओके। बारिश तो यहाँ ऐसा होता है, परमानेंट बारिश होती है, परमानेंट वापस बंद हो जाती है और पूरा फॉगी फॉगी हो गया एरिया पूरा। हम थोड़ा लेट हो गए, सारे टूरिस्ट चले गए तो हम क्योंकि वो दूसरा पास भी देखने चले गए थे इसलिए। कम हो गई थोड़ी बारिश। तो गाइस एमजी रोड आ गया हूँ मैं और यहाँ से मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने का सोच रहा हूँ और फिर अपने गेस्ट हाउस चला जाऊँगा। काफ़ी टायर्ड लेट था आज, काफ़ी मतलब पीछे बैठा था तो बहुत बैक पैक पेन होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पहुँचा तब तक मार्केट थोड़ा क्लोज हो गया है। बट मुझे कुछ लेना था यहाँ से तो देखते हैं, मिलेगा तो लूँगा नहीं तो सीधा आपको गेस्ट हाउस में मिलूँगा मैं। ऑलराइट गाइस, तो गाइस ये था मेरा गैंगटॉक का डे टू और मैं अभी आ गया हूँ गेस्ट हाउस और खाना मैंने आज बाहर ही खा लिया है तो और काफ़ी टायर्ड डे था, थोड़ा काफ़ी थक गया हूँ अभी। और आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। जो लोग ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो और आने वाली है। और बस गाइस थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया तो एडजस्ट कर लेना। और अगर अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है तो इसको फॉलो कीजिए। अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में एक जो टैक्सी थी उनका कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप चाहो तो मतलब उनकी सर्विस ले सकते हो। पूरा डिटेल दे दूंगा, जिसमें मैंने आज ये पास बुक किया था बाबा हरभजन सिंह का तो काफ़ी सही है। प्राइसिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, अभी इनका सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा और अभी प्राइस अच्छा था तो मेरा लक अच्छा था तो मेरे को अच्छा प्राइस मिल गया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस खत्म करता हूँ इस वीडियो को। सो गाइस एज ऑलवेज गाइस वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप बीस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। फियरलेस।